हरियाणा से जुड़ी, जहां पर बीजेपी के समर्थन पर उठ रहे सवाल पर गोपाल कांडा का जवाब सामने आया। मुझ पर आज कोई आरोप नहीं है, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है, बिना शर्त बीजेपी को समर्थन दिया है, मेरा परिवार शुरू से ही आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो ये बड़ा बयान आपको हम बता रहे हैं गोपाल कांडा का, बिना शर्त बीजेपी को समर्थन दिया है, मुझ पर कोई आरोप नहीं है और अब वो साफ है। तो मेरा परिवार शुरू से ही आरएसएस से जुड़ा है और बीजेपी को बिना शर्त मैंने समर्थन दिया। तो बीजेपी के समर्थन पर उठ रहे सवाल पर गोपाल कांडा ने जवाब दिया है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मुझ पर अब कोई आरोप नहीं। प्रदेश में प्रदेश के लिए अत्यंत चिंता का विषय है, प्रदेश को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। सर, जिस तरह मैंडेट मिला है, क्या रुख रहेगा आपका, किस हिसाब से आपका? हमने अपना रुख क्लियर कर दिया कल, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश विकास की ओर अग्रसर है, देश फल फूल रहा है, अच्छे से देश चल रहा है, वैसे ही हरियाणा प्रदेश भी अच्छे से चले। सभी इंडिपेंडेंट 5-6 साथियों ने कल रात को ही बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बातचीत करके बिना शर्त अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। और मैं तो, मेरा परिवार आरएसएस से 1926 से मेरे फादर आरएसएस में थे और देश का पहला आम चुनाव लड़ा मेरे फादर ने दीपक के निशान पे, जनसंघ की टिकट सिरसा डब्बा वाली से। तो हम तो परिवार का एक हिस्सा हैं, तो हम सब ने बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन हरियाणा में सरकार बनाने के लिए दे दिया। बाकी दल भी चाह रहे थे कि किसी चाह रहे थे, उससे बात भी कर रहे थे, सभी कुछ कर रहे थे, पर हमने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके साथ पुराने साथी भी रहे हैं, ऐसे में उनके नहीं साथी तो देखो, हमने उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ चार सीटें थी और चौटाला की 31 थी, तो सभी साथियों ने डिसीजन लिया था बाकियों ने कि हमें चौटाला के साथ नहीं जाना और हम इसलिए चौटाला की सरकार नहीं बनाएंगे, तो वही सरकार बन रही थी, तो इसलिए उनको हमने समर्थन दिया था। लेकिन आज आम लोगों में बातें ये भी हैं कि कहीं ना कहीं आप राजनीतिक दबाव के चलते उसमें जा रहे हैं। नहीं, राजनीति में क्या, लोगों ने इतना प्यार मान सम्मान इतना समर्थन दिया है तो राजनीति में कोई दबाव वाली बात नहीं। और भारतीय जनता पार्टी तो दबाव की राजनीति करती नहीं, जहाँ तक मैंने आज तक देखा है। कल शीर्ष नेताओं से बात हुई तो बहुत अच्छे से प्यार से बात हुई कि आप क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। हमने कहा जी, बिना शर्त हम लोगों का समर्थन है, आपको प्रदेश में सरकार बनाइए अच्छे से। क्या किसी मंत्री पद की भी कोई चर्चा? नहीं, कोई चर्चा किसी ने नहीं की, ना वहाँ से हुई ना हमारी तरफ से हुई। सब ने अपना समर्थन बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी को दिया ताकि हरियाणा प्रदेश प्रगति की ओर अग्रसर हो। मोदी जी के नेतृत्व में जैसे देश चल रहा है, वैसे हरियाणा प्रदेश भी चले।